बीजेपी विधायक टी राजा को मिली जमानत, भड़काऊ बयानबाजी मामले में मिली जमानत, कोर्ट ने राजा की गिरफ्तारी को कहा अवैध। बीजेपी विधायक टी राजा को जमानत मिलने से भड़का गुस्सा, हैदराबाद की सड़कों पर सरतन से जुदा के लगे नारे, विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया केस। मानहानि केस में सिसोदिया की बड़ी है मुश्किलें, सिसोदिया को कामरूप कोर्ट ने किया है तलब, 29 सितंबर को पेश होने के आदेश, असम के सीएम ने दायर किया था मानहानि केस। दिल्ली में सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच में फिर से तनाव, तनी उपराज्यपाल ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा बिना दस्तखत के ना भेजे कोई फाइल। गुजरात के भावनगर से अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा 2 से 3 दिनों में सिसोदिया की गिरफ्तारी संभव, सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया। ब्रह्मोस मिस फायर मामले पर बड़ा एक्शन, एयरफोर्स के 3 अफसर बर्खास्त, पाकिस्तान में जा गिरी थी मिसाइल, 9 मार्च का है मामला। पंजाब के फिरोजपुर में बड़ी साजिश नाकाम, भारत पाक सीमा से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी, AK-47 राइफल पिस्टल कारतूस बरामद, पैकेट में बंद थे हथियार। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का ओबीसी बंधुओं पर जोरदार हमला, कहा इनके मुंह पर कोई बंधन ना ही कोई कार्रवाई, हमारे देवी देवताओं को कहते हैं अपशब्द। रेवड़ी कल्चर पर जेपी नड्डा का हमला, रेवड़ी बांटना हमारा लक्ष्य नहीं, देश को सशक्त करना बीजेपी का लक्ष्य। जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हमारी सरकार में हर वर्ग का हो रहा विकास। दिल्ली दंगे में चरमपंथी इस्लामी संगठन PFI का हाथ, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। सोनाली फोगाट के परिवार को हत्या का शक, बहन बोली मां से फोन पर कहा खाने के बाद गड़बड़ी हुई महसूस। दिल्ली के तिहाड़ जेल से मंडोली जेल शिफ्ट होगा, करोड़ों की ठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। महाराष्ट्र में पालघर के वसई में एक व्यक्ति की हैवानियत, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, ट्रेन के सामने पत्नी को फेंका, 2 बच्चों को लेकर फरार। पटना में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा, लाठीबाज एडीएम को फौरन बर्खास्त करने की मांग, 5 सितंबर तक एक्शन नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की ट्रेनिंग जारी, सरहद पर दुश्मन को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना की तैयारी। विक्रमकांड के आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली है बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत मंजूर, ट्रायल पूरा होने तक ऋचा दुबे को की गिरफ्तारी पर लगी है रोक। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को बड़ी राहत, कानपुर MP MLA कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया है स्थगित, राकेश सचान को दी गई जमानत। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को दोबारा से 14 दिन की हिरासत में भेजा गया, न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज हुई थी सूरजपुर कोर्ट में पेशी, महिला से बदसलूकी के मामले में जेल में है बंद। माफियाती के बेटे उमर अहमद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, 27 अगस्त को होगी पेशी, आज ही इसी डे कोर्ट में किया था सरेंडर। उमर अहमद पर था 2.5 लाख का इनाम, पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था उमर, मारपीट और अपहरण के मामले में था आरोपी। माफिया तीक अहमद की 75 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, प्रयागराज के DM ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का दिया आदेश, 6 सितंबर तक कार्रवाई करके देनी होगी रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के भाई समेत कई करीबियों को ईडी का नोटिस, बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया, छापेमारी में ईडी को मिले हैं अहम दस्तावेज। लखनऊ में बीजेपी की हुई अहम बैठक, संगठन महामंत्री बनने के बाद अपने पहले लखनऊ दौरे पर आए धर्मपाल सिंह, अवध, कानपुर, काशी और गोरक्ष क्षेत्र के पदाधिकारी के साथ 2024 पर मंथन। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दी है सरकार को राशि, 59 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष और 27 लाख रुपए राज्य सरकार को दिए गए। एक्शन में गाजियाबाद SSP मुनिराज, अवैध वसूली के आरोप में 12 सिपाही लाइन हाजिर, ASP की रिपोर्ट के बाद मुरादनगर और मसूरी थाने के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। शराब माफियाओं को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, अवैध शराब कारोबारियों की संपत्ति होगी जब्त, शराब माफियाओं के सार्वजनिक जगह लगेंगे पोस्टर्स। ज्ञान वापिस श्रृंगार गौरी मामले में कल सुनवाई का आखिरी दिन, मुस्लिम पक्ष की दलील के बाद हिंदू पक्ष देगा फाइनल जवाब, अंतिम तारीख में जवाब पूरा नहीं होने पर कल का दिया गया समय।
राजभर और राजभर जाति को एसटी में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव समाज कल्याण को अवमानना का नोटिस। अजय सिंह टेनी के बयान पर राकेश टिकैत ने पलटवार किया, कहा हम तो छोटे ही आदमी हैं, वो होगा बड़ा जिसका लड़का जेल में बंद है। नोएडा सांसद महेश शर्मा को सोशल मीडिया पर गाली देने वाला युवक गिरफ्तार, श्रीकांत त्यागी मामले में फेसबुक लाइव के जरिए सांसद को दी थी गालियां। कानपुर दौरे पर रहे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भविष्य में हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, पहली बार गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के डीआईजी बनाए गए अब्दुल हमीद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टीम का ऐलान, नई टीम में 3 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, महेंद्र भट्ट ने जारी की सूची। बॉबी कटारिया ने कोर्ट में लगाई सरेंडर की रिट, गिरफ्तारी के लिए हरियाणा गई थी देहरादून पुलिस, सड़क पर शराब पीने का वायरल हुआ था वीडियो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर पहला टनल ब्रेक थ्रू, 1 साल के अंदर तैयार हुआ टनल, 7 किलोमीटर के दायरे में लगभग 3.5 किलोमीटर का काम पूरा। उत्तरकाशी में लापता विदेशी पर्यटक को एसडीआरएफ की टीम ने किया बरामद, उड़ कोटी गार्ड की चोटी से रेस्क्यू, 4 दिन से लापता था विदेशी पर्यटक। हल्द्वानी में रोडवेज कर्मचारी ने ठेका प्रथा के खिलाफ खोला है मोर्चा, राज्य सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कर्मचारियों ने एजेंसी के माध्यम से 600 कर्मचारियों की भर्ती का विरोध किया। उत्तराखंड में एसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में बिजनौर से गिरफ्तार गैंग के सदस्य केंद्रपाल ने किया है कोर्ट में सरेंडर, थाना धामपुर के टीचर्स कॉलोनी का निवासी है केंद्रपाल। आगरा में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदर्शन, किसानों पर लगे मुकदमे की वापसी, उज्ज्वला योजना में हुई धांधली पर कार्रवाई की मांग, महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। गोंडा में 12 साल के बच्चे का मिला शव, पुलिस 2 दिन से कर रही थी तलाश, धानेपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन पर चला जिला प्रशासन का हंटर, 2 बालू लदे हुए ओवरलोडेड ट्रकों को किया गया सीज। ललितपुर में बारिश के चलते ओडी नदी उफान पर है, नदी पर बने पुल को पार करते समय गौवंश बह गए, ग्रामीणों ने बचाई जान। जालौन में झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई, मछली शहर नगर में एसडीएम राजेश कुमार चौरसिया ने अवैध रूप से चल रहे 2 अस्पताल और 1 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज किया। लखनऊ की पराग डेयरी प्लांट के बाहर किसानों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में दुग्ध किसान मौजूद ने यहाँ पे जीएम के खिलाफ की है नारेबाजी और 1 महीने से नहीं मिला पेमेंट। महाराजगंज में भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक उज्बेकिस्तान की महिला को बिना वीजा पासपोर्ट के गिरफ्तार किया। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका, हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के चिरियारी गांव में शौच के लिए गई थी मृतका। श्रावस्ती में एसपी की बड़ी कार्रवाई, विशेष अभियान के बाद 29 वारंटी गिरफ्तार, कई मामलों पर पूछताछ जारी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में नाबालिग की मौत का मामला, परिजनों ने हापुड़ गाजियाबाद मार्ग पर लगाया जाम, किया प्रदर्शन। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गांव जाटोवाला में अनियंत्रित कार ने महिला को रौंदा, महिला की मौत के बाद चालक हुआ फरार, बादशाही बाग पुलिस चौकी पर पुलिस ने पकड़ा। बागपत में तहसीलदार पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए वकीलों ने किया है धरना प्रदर्शन। नायब तहसीलदार बागपत ने वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र बली के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके साथ बदतमीजी की। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रानीगंज वारिसगंज रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास की घटना। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों के चलते घर से नाराज युवक ने सरयू नदी में लगाई छलांग, इकोना थाना क्षेत्र के भलुहिया दसौंधी गांव का मामला। आगरा विश्वविद्यालय पर एनएसयूआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव शर्मा ने लगाया 2 करोड़ 20 लाख घोटाले का आरोप, वन सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सौंपा ज्ञापन। श्रावस्ती जिले में नेपाली शराब के साथ युवक गिरफ्तार, 255 शीशी नेपाली शराब बरामद।
बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा में जलस्तर बढ़ने पर कुंज घाट पर बालू के टापू पर दिखा विशाल मगरमच्छ। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। गंगा स्नान के लिए आ रहे लोगों में दहशत का माहौल। पीलीभीत में कार के आगे चलते बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मझूला बॉर्डर पर देवा पुल के पास सितारगंज मार्ग पर एक बाघ देखा गया। नोएडा में ट्विन टावर में बारूद लगने का काम हुआ है पूरा। 28 अगस्त को होगा भ्रष्टाचार से बना टावर ध्वस्त। 32 मंजिला इमारत महज 12 सेकंड में हो जाएगी जमींदोज। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश हसन की 7 लाख से ज्यादा की संपत्ति होगी हुई है कुर्क। बदमाश के खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज। महोबा में आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के नाम पर छात्रों से हुई ठगी। फर्जी टीचर बनकर छात्रों से लिए पैसे। 15 से ज्यादा छात्रों ने थाने पहुंचकर शिकायत की। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर। बाढ़ के चलते कई रास्ते बंद हुए। स्कूल खेत खलियान भी पानी में डूबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया जायजा। राजस्थान के कोटा में उफान पर चंबल नदी रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। एसडीआरएफ की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के नागदा में उफान पर काली सिंध नदी शिव मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। काली सिंध नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर है मंदिर। राजस्थान के कोटपुतली में दर्दनाक हादसा। कार और डंपर की दर्दनाक की टक्कर में 3 लोगों की हुई है दर्दनाक मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। झारखंड के धनबाद में हावड़ा नई दिल्ली रेलवे लाइन के पास जमीन धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ। बड़ा हादसा टला इलाके में दहशत। नीतीश की नई सरकार की पहली अग्नि परीक्षा कल बहुमत साबित करेगी महागठबंधन की सरकार। आंकड़े सरकार के पक्ष में। बिहार के मंत्री इसराइल मंसूरी पर हिंदू आस्था के अपमान का आरोप। गया के विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में किया प्रवेश। नीतीश के साथ मंदिर में गए थे इसराइल मंसूरी। मंदिर में गैर हिंदुओं के जाने पर है रोक। मामला सामने आने के बाद हिंदुओं में नाराजगी। और एशिया की राजधानी भुवनेश्वर में मालगाड़ी के 5 डिब्बे जो है पटरी से उतरे। ट्रेन सेवाएं प्रभावित। दिल्ली में आबकारी नीति मामले में गृह मंत्रालय का एक और एक्शन। 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सस्पेंड। अब तक कुल 11 अधिकारी निलंबित हुए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को राहत। राउ रेवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत दे दी। राहुल गांधी ने सितंबर 7 से शुरू हो रहे भारत जोड़ो यात्रा को बताया तपस्या। कहा मोदी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सस्ते पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा मिलेगा। रामायण सर्किट पर 24 अगस्त से फिर से दौड़ेगी भारत गौरव ट्रेन। भगवान राम से जुड़े स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। LIC हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन हुआ है महंगा। ब्याज दरों में किया गया है 0.5% का इजाफा। चीन में मंदी की आहट पर भारत की पैनी नजर। देश के कई उद्योग कच्चे माल के लिए बीजिंग पर निर्भर। पाकिस्तान में सिख लड़की के अपहरण और धर्मांतरण का मामला गरमाया। सिखों ने जुल्म के खिलाफ उठाई आवाज। सड़क जाम कर न्याय की मांग की। 25 अगस्त तक इमरान खान की नहीं होगी गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटी टेरर एक्ट के केस में 3 दिन के लिए दी राहत। आतंकवाद के आरोपों पर बोले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पाकिस्तान में कानून का शासन नहीं। चीन का जासूसी युद्धपोत श्रीलंका से वापस लौटा। हनुमनटोटा बंदरगाह पर 1 हफ्ते तक रुका रहा। भारत ने जताई थी चिंता। रूस में पकड़ा गया आईएस का आतंकी। भारत में फदाइन हमले की रच रहा था साजिश। निशाने पर थे बीजेपी के बड़े नेता। जर्मनी में प्रदर्शनकारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। गैस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जारी की है बृहस्पति ग्रह की अद्भुत तस्वीरें।
जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर की गई तस्वीरें। बोलीविया में सरकार के खिलाफ कोका किसानों का आक्रोश, पुलिस के साथ हुई झड़प पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे हैं आंसू गैस की गोली। चीन में गर्मी का रेड अलर्ट जारी, भीषण गर्मी से खेती को भी नुकसान, सूख रही है नदियां। सूखे और हीटवेव के चलते चीन का हुआ है बुरा हाल, बिजली बचाने के लिए शंघाई के स्काईलाइन में 2 रातों तक लाइट नहीं चलाई जाएगी। भारत ने जिम्बाब्वे पर किया है क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में 13 रन से दी है मात, पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल ने 130 रन की शानदार पारी खेली, गिल को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड दिया गया। न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक जीत, वेस्ट इंडीज में पहली बार जीते वनडे सीरीज डिसाइडर मैच, 5 विकेट से अपने नाम किया। फीफा बैन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशासकों की समिति भंग, AIFF के चुनाव भी टाले गए। एशिया कप से पहले श्रीलंका की टीम को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज दुश्मंता चमीरा पैर में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर, पैर फ्रैक्चर हुआ। पहाड़ में युवा नेतृत्व, युवा नजरिया, सरकार के 100 दिन का हिसाब, धामी 2.0 में विकास का रोडमैप, स्वास्थ्य शिक्षा और नई सोच पर बात, आपके सवाल धामी कैबिनेट के जवाब, बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड 24 अगस्त दोपहर 2 बजे से सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, कोपावर्ड बाय आनंदा, आनंद करो, एसोसिएट स्पॉन्सर पंचवटी, डबल दीपक, एमिनिटी स्पोर्ट्स, स्पेशल पार्टनर शिवाया क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, पार्टनर पॉली किड्स स्कूल, संजीवनी आयुर्वेदा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी में जिनके जिम्मे ओलंपिक के खिलाड़ियों के चुनाव की जिम्मेदारी है, लड़कियों के साथ उन्हीं की आपत्ति।